रिम्स में एक बार फिर चर्चा में आया है, जो यहाँ राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में गुरुवार के शाम 4 बजे से ही शुक्रवार की शाम 6 बजे तक इंटरनेट ठप रहा है। जो यहाँ करीब 26 घंटे ठप रहे इंटरनेट सेवा से 900 से अधिक मरीजों की जांच प्रभावित रही। वहीं इस दौरान ओपीडी में आने वाले मरीजों को भी परेशानियां का सामना करना पड़ा है। वहीं इमरजेंसी में मरीजों के पर्चे काटने के लिए मोबाइल नेट का सहारा लिया गया। वहीं ओपीडी में आने वाले मरीज को हाथ से लिखकर पर्चे दिया गया है। इसके बाद भी मरीजों को डॉक्टर से परामर्श मिल सका, हालांकि किसी भी मरीजों की जांच रिम्स में नहीं हो पाया है। इसके कारण बाहर से आने वाले मरीजों को परेशानी हुई है, मरीजों को जांच रिपोर्ट बिना अंतिम परामर्श नहीं मिल सका है। बता दें कि इसी रिम्स अस्पताल में पंकज मिश्रा भी भर्ती थे। वहीं बता दें कि उनकी जो हालत है वो बेहद ही नाजुक बनी हुई है। वहीं बिना दवा लिए ही मरीजों को निराश होकर वापस जाना पड़ा था। वहीं इंटरनेट ठप रहने के कारण ही रिम्स के सेंट्रल लैब मेडाल सहित सभी जगह पर पूरी तरह से जांच बंद रहा है, क्योंकि इंटरनेट बंद रहने से बिलिंग नहीं हो सकी। बिलिंग नहीं हो पाने की वजह से एक भी जांच नहीं हो पाई है। वहीं पहले से हो चुकी जांच रिपोर्ट में भी मरीजों को नहीं मिली। कई मरीज पिछले 2 दिनों से अपनी ये जांच रिपोर्ट मिलने का इंतजार कर रहे हैं। रिपोर्ट नहीं मिल पाने की वजह से कई ऑपरेशन भी टाल दिए गए हैं। वहीं बता दें कि अगर रिम्स में पिछले 10 दिनों में 3 बार इंटरनेट सेवा प्रभावित रह चुका है, हर बार 4-5 घंटे तक इंटरनेट बंद रहा है। इस बार तो 26 घंटे तक इंटरनेट बंद रहा। ऐसे में बाहर से आने वाले मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। वहीं इस परेशानी को लेकर हेमंत सोरेन पर बार बार सवाल लगातार उठाते जा रहे हैं। वहीं प्रशासन की जो लगातार नाकामियां है उसकी स्थिति को झलका रही है। बाकी आप क्या कहेंगे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।